दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के बकहो नगर के स्थानीय ग्रामीणों ने जल संकट की समस्या को लेकर सुहागपुर SECL अंतर्गत शारदा ओपन कास्ट माइंस के पास अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि शारदा ओपन कास्ट माइंस जो कि 22 एकड़ भूभाग से कोयला का उत्खनन कर चुका है, जहां पर अब गड्ढा बना हुआ है। लगभग 4 एकड़ के एरिया के गड्ढे में भरे पानी से वहां की जनता नहाने धोने एवं मवेशियों के पीने के लिए उपयोग में लाती है, लेकिन अब प्रबंधक के द्वारा उस गड्ढे को लेवल करने की बात कही जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उस 4 एकड़ में बनी डैम के पानी से समस्त नगरवासियों का पलायन तो चल ही रहा है, इसके साथ ही 10,000 की आबादी वाले नगर में जिन व्यक्तियों के घर पर बोर की व्यवस्था है, उन्हें जल की संकट से भी जूझना नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह डैम लेवल हो जाने के कारण जल की समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर में बने बोर से लगभग 5 या 10 मिनट ही पानी चल पाता है, उसके बाद वाटर लेवल खत्म हो जाता है। वहीं ग्रामीणों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें जल की व्यवस्था प्रबंधक के द्वारा कराई जाए। जिस स्थान पर डैम है वहां माइंस चलने से पहले एक बड़ा तालाब था, जिसे गाँव के लोगों का गुजारा होता था। 2 हैंडपंप भी उसी स्थान पर बने हुए थे। अगर प्रबंधक के द्वारा एक तालाब और पीने के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण करा दिया जाए तो पानी की समस्या बकहो से दूर हो सकती है। आइए जानते हैं स्थानीय ग्रामीणों का क्या कहना है। अपने गांव में SECL द्वारा जो ये डैम को भाटा जा रहा है, जिससे पूरे गाँव का निस्तार किया जा रहा था, जहाँ से हमें गाय भैंस के लिए या फिर पूरे लोग यहाँ के पानी पीते थे, नहाते थे, पूरा निस्तार होता था। आज उसको भाटा जा रहा है और पानी को बाहर फेंका जा रहा है। उस पानी को बाहर फेंकते समय ये नहीं देखा गया कि पूरे गांव का वाटर लेवल जो है कि नीचे गिर जाएगा। आज गांव के जितने भी पंप हैं, 1 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट तक चलते, उसके बाद कोई पंप भी नहीं चल पा रहा है। पूरे गाँव के लोग इसीलिए आए हैं कि हमें पानी मिले या फिर इस डैम को छोड़ दिया जाए, इस जिससे हमारा निस्तार चल रहा था वैसे चले। प्रबंधक के द्वारा कोई सुनवाई अभी की गई है? कोई सुनवाई नहीं की गई हमारे द्वारा। श्रीमान कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार, हर एक जगह ज्ञापन दिया गया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आगामी यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अब मरना तो घर में ही है, इससे अच्छा जाके गेट में मरेंगे, बेरियल में। अच्छा, वहीं जाके बैठेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? गोपी कुमार केवट। कहाँ के रहने वाले? बकहो। धरने पे इसलिए है सर, हम लोगों का आज यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया, हमारे लल्ला भाई ने जा करके श्रीमान कमिश्नर महोदय के दरवाजे पर जा करके खटखटाए और अपनी ज्ञापन सौंपे कि आज हम लोगों का कुल माँ और बाप कहिए तो यही एक जल स्रोत है, इसी से वाटर लेवल अपने गांव के अंदर, आप पंप बोर किसी का भी चेक कर लें, 5 मिनट से 10 मिनट हद है कि पानी चले हम लोगों का। अच्छा। उसके बावजूद भी हम लोग आज तक शासन प्रशासन से हल्ला नहीं कि एक स्रोत था, उसे भी शासन और प्रशासन, इसमें कौन मीडिया, कौन नेता, कौन घूसखोर इसमें मिला या प्रबंधन मिली या प्रशासन मिला, ये हम नहीं जानते। जब आज हम लोगों को निहत्था कर दिया गया, जब आज हम लोग देख रहे हैं, आज अगर हमारे घर पे बोर 10 मिनट चलते हैं, मैं परसों के दिन मेरे दरवाजे पे एक जानवर गिरी रही, गश्त मारी, जब मैंने उसके ऊपर पानी डाला हूँ और पानी दिया हूँ तगाड़ी में भर के, गैया उठी है पानी पिए, उसके बाद जा करके शाम के टाइम 6 बजे, और इस कंडीशन में आज भीषण गर्मी में आज हम लोग ग्रामीण लोग, ग्रामीण के जितने वासी हैं, सब तरह तरह बूंद बूंद को पानी के लिए। अच्छा, ये इस खदान के पानी से कौन कौन पलायन करते हैं? जैसे इस पानी से सब अपना पूरा गांव वासी निस्तार कर रहा है सर। अच्छा। और आज यहां की आबादी कम से कम 10,000 की आबादी है अपने बकहो क्षेत्र के अंदर, और 1 SP का पंप लगा करके हमको प्रबंधन ने दिखा रही है कि हम 1 SP का पंप लगा दिए, और ये किसके द्वारा हम नहीं जानते, बेईमान द्वारा, ईमान द्वारा, इसको शासन और प्रशासन, हमारा निवेदन है कि इसका ध्यान दे, और हम ग्रामीण के लिए कम से कम 2 बूंद जो पानी बचा हुआ है, जिससे कि कम, अरे नहीं चलता था 2 घंटा 1 घंटा पानी चलता था, घर गृहस्थी का अपना काम तो चलता था। अच्छा, यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी आप क्या करेंगे? फिर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे।